धनतेरस 2023। धनतेरस आज जाने खरीदारी का शुभ मुहूर्त महत्व और इस दिन क्या खरीदे क्या नहीं। धनतेरस 2023 इस साल 10 नवंबर को धनतेरस है। धनतेरस पर नई चीजों की खरीदारी का विशेष महत्व होता है। ऐसी मान्यता है जो कोई भी धनतेरस के दिन खरीदारी करता है उसके घर पर सुख और समृद्धि आती है। धनतेरस 2023 हर वर्ष कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस का पर्व मनाया जाता है। इसी तिथि पर भगवान धन्वंतरी सोने के कलश के साथ प्रकट हुए थे। साथ ही त्रयोदशी के दिन आयुर्वेद के देवता धन्वंतरी जी की कथा जी की जयंती भी मनाई जाती है। इस साल आज यानी 10 नवंबर को धनतेरस है। धनतेरस पर नई चीजों की खरीदारी का विशेष महत्व होता है। ऐसी मान्यता है जो कोई भी धनतेरस के दिन खरीदारी करता है उसके घर पर सुख और समृद्धि आती है। मान्यता है कि धनतेरस के दिन खरीदी गई वस्तुएं कई वर्षों तक शुभ फल प्रदान करती हैं। ऐसे में चलिए जानते हैं इस साल धनतेरस पर खरीदारी का शुभ मुहूर्त महत्व और इस दिन क्या खरीदे क्या नहीं। धनतेरस पर खरीदारी का शुभ मुहूर्त। धनतेरस पर शुभ मुहूर्त में खरीदारी करना अच्छा माना जाता है। पंचांग के अनुसार धनतेरस के दिन यानी 10 नवंबर को 12:35 से लेकर अगले दिन यानी 11 नवंबर की सुबह तक खरीदारी करने का शुभ मुहूर्त है। धनतेरस लक्ष्मी पूजा मुहूर्त। धनतेरस के पावन पर्व पर भगवान गणेश माँ लक्ष्मी और कुबेर देवता की पूजा की जाती है। धनतेरस पर लक्ष्मी पूजा का शुभ मुहूर्त 10 नवंबर शुक्रवार को शाम 5:47 से शाम 7:47 तक रहेगा। धनतेरस पर खरीदारी का महत्व। धनतेरस पर शुभ मुहूर्त में बर्तन और सोने चांदी के अलावा वाहन जमीन जायदाद के सौदे लग्जरी चीजें और घर में काम आने वाली अन्य दूसरी चीजों की खरीदारी करना शुभ माना जाता है। मान्यता है कि धनतेरस के दिन खरीदी गई चल अचल संपत्ति में 13 गुना वृद्धि होती है। धनतेरस पर क्या खरीदे। नंबर 1, धनतेरस के दिन सोना चांदी के बर्तन अलावा वाहन और कुबेर यंत्र खरीदना शुभ होता है। नंबर 2, इसके अलावा झाड़ू खरीदना भी अच्छा माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन झाड़ू खरीदने से माँ लक्ष्मी मेहरबान रहती हैं। नंबर 3, यदि धनतेरस के दिन आप कोई कीमती वस्तु नहीं खरीद पा रहे हैं तो साबुत धनिया जरूर घर ले आए। मान्यता है कि इससे धन की कभी कमी नहीं होती है। नंबर 4, इसके अलावा आप गोमती चक्र भी खरीद सकते हैं। इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। नंबर धनतेरस पर क्या खरीदे और क्या नहीं। नंबर 1, इस दिन लोहा या लोहे से बनी वस्तुएं घर पर लाना शुभ नहीं माना जाता है। ज्योतिष के अनुसार यदि आप धनतेरस के दिन लोहे से बनी कोई भी वस्तु घर लाते हैं तो घर में दुर्भाग्य का प्रवेश हो जाता है। नंबर 2, धनतेरस पर एल्यूमिनियम या स्टील की वस्तुएं न खरीदें। मान्यता है कि स्टील या एल्यूमिनियम से बने बर्तन या अन्य कोई सामान खरीदने से माँ लक्ष्मी रूठ जाती हैं।
नंबर 3, ज्योतिष के अनुसार यदि आप धनतेरस के दिन घर में कोई भी प्लास्टिक की चीज लेकर आएंगे तो इससे धन के स्थायित्व में बरकत की कमी आ सकती है, इसलिए धनतेरस के दिन प्लास्टिक की वस्तुएं भी ना खरीदें। नंबर 4, धनतेरस के शुभ अवसर पर शीशे या कांच की बनी चीजें भी बिल्कुल नहीं खरीदनी चाहिए। नंबर 5, ज्योतिष के अनुसार धनतेरस के दिन चीनी, मिट्टी या ब्रोन चाइना की वस्तु कोई भी वस्तु नहीं खरीदनी चाहिए। तो आपको धनतेरस पर करें ये उपाय। नंबर 1, धनतेरस पर भगवान धनवंतरी, माता लक्ष्मी, कुबेर, यमराज और भगवान गणेश जी की पूजा करें। नंबर 2, धनतेरस के दिन घर और बाहर 13 दीपक जलाने से बीमारियों को दूर किया जा सकता है। नंबर 3, दान करना पुण्य कर्म है। माना जाता है कि दान करने से पिछले जन्म के पाप धुल जाते हैं। धनतेरस के दिन दान करने का विशेष महत्व होता है। नंबर 4, इस दिन यदि आप सूर्यास्त से पहले दान करते हैं तो आपको धन की कमी नहीं होगी। इस दिन सफेद कपड़ा, चावल, चीनी आदि का दान नहीं करना है। नंबर 5, धनतेरस पर वस्तुओं की पूजा करने से आर्थिक परेशानियां दूर होती हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कीजिए और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।